ओडिया साहित्य रे फूल को संबोधन ओडिया साहित्य रे एक महार्घ संपद निश्चित भाव भक्त कवि मधुसूदन राव हुवंतु कि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत हुवंतु किभली भाव पुष्प को संबोधन करछंती फूल को संबोधन करछंती जो भली भाव भक्त कवि मधुसूदन राव पद्म प्रति सुंदर संबोधन करछंती कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुई ठीक सही मर्म रे उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत तांकर जो उच्छ्वास कवितारे तांकर जो प्रथम तरंग शेफाली प्रति शेफाली फूल को संबोधन सुंदर संबोधन करी आहुरी मध्य कहिछंती एही उत्कल भारती शेफाली केऊं दूर तरु बरे फुटे अछु गोपने भुरु भुरु गंध तोर भासे आसे पवने बातायन पासे बसी चाहे नवदित शशी हसी हसी सते उई आसे दूर गगने भाबावे से मुग्ध मुखे मजे अछि स्वपने केउ दूर तरुवर जो कह जाय छी वृक्षर उहाड़ रे तू फुटी अछु हे शेफाली पुष्प हे शेफाली फूल यह कहउछंती नारी कवि कुंतला कुमारी सावत एवं आहुरी मध्य कहउछंती भुरु भुरु गंध सुगंध जो कह जाय छी तार बासरे चतुर्दिग को महकई दौथिबा एही शेफाली पुष्प जहार भुरु भुरु गंध को पवन एही जो जो कहा जाउछ मारुत ताहा बही आणे एवं एहा आमोदित करे प्रतिटी जनमानस को जेउथि पई बातायन बा गवाक्ष धारे धारे बसी सते आमे चाहिले आकाश रे नुआ करी उदय हे आसुथिबा एही जो शशि बा चंद्र एवं एही चंद्र जते बेले दूर गगन रु उई आसुथिबे ठीक सही समय रे एही शेफाली फल फुटुथिब मु भाबावेश मुग्ध हो जाए मु निजकु हजेई दिए मु तल्लीन हो जाए कारण रात्रि रे फुटुथिबा एही शेफाली पुष्प एवं चंद्रर जो आगमन ताहा अत्यंत मंत्रमुग्ध करिथाय एही प्रकृति को एहा कविंकर प्रथम पदरे तंकर जो प्रकार संबोधन उक्ति शेफाली को आहुरी मध्य कहा जाइछि भाबावेश मुग्धमुखी मजी अछि स्वप्ने द्वितीय पदरे पुनि कहा जाइछि भाव राज्य बुले सते हजी अछि चेतना अंतर अनंत राजे पूरी अछि कल्पना विशाल ए विश्व क्षेत्रे अर्धनि मिलित नेत्रे देखे सेते शोभा राशि पड़ु अछि उछुली तहि सुधा ढालु किरे गंधे गंग शिउली चमत्कार तंकर पंक्ति भाव राज्य रे जो कहा जाउछि सते जेमिति निजर चेतना को से हजेई देइछंती एवं अंतरर अनंत राज्य रे एही कल्पना सतत भाव रे परिपूर्ण होई रही अछि विशाल ए विश्व क्षेत्रे अर्ध निमिलित नेत्रे देखे सेते शोभा राशि पड़ु अछि उछुली सतरे आउ एही चंद्र विधुत रजनी रे शेफाली फूल प्रस्फुटित हबा एवं तार सुगंध को परिवेषण करिबा एहा निश्चित भाव रे कवि को मंत्रमुग्ध करिछि एवं पुष्प राज्य रे एही पुष्प राज्य जो शेफाली पुष्प ताहा को महिमा मंडित करुअछि एवं सते जेमिति हे गंगशिउली एते सुंदर आउ एते प्रकृतिर सुषमा विमंडित परिवेश भितरे सते जेमिति तु सुधाधारा ढाळुअछु कि एहा कविंकर उक्ति एही पदरे बोले कुहा जायछि एवं एहार परवर्ती पदरे मध्य कवि आहुरी कहिछंती शारद दिनान्ते बसी बातायन पासरे बुड़ी अछि मन मोर किबा प्रेम रसरे आदेशे पुलक मोर नयन रु बहे धार हृदय तंत्री बाजी उठे कि अमृत सुस्वरे निमिषे भावई मुत अछि अबा स्वर्गरे एवं कुहा जाइछि शारद दिनान्ते जेतेबेले शरत ऋतुर दिन सरी आसे एवं संध्या आगत प्राय सेही समय रे बातायन पाखरे बसी झरका पाखरे बसी जेतेबेले मु मोर समस्त भावावेग को तो सहित निविष्ट कराए सेतेबेले तो जो आवेश जो भावर आवेग सृष्टि हुए एवं मो चक्षुर धारधार लुह बही जाए एवं मो हृदय तंत्र समस्त बीणा छिंडा तार सत जमी बाजी उठे एवं अमृत स्वर रे बाजी उठे बोली कहा जाए मु निजक हजेई दिए मु तल्लीन हो जाए मु इंद्रिय रु इंद्रियातीत हो जाए सते जमी मोर मन हुए मु अछि अबा स्वर्गरे एही पदरे कहा जाए सते प्रेमर पुलक फूलर सुगंध एवं
जो फुलर जो कहुचे क्षण जन्म पुष्प सते जमी से जन्म लाभ कर तार सौंदर्य तार सुवास चतुर्दिग को विमंडित कर एवं पुणी सकाळ पाहिबा पूर्वरु से चली जो आसीला एवं से झड़ीज झड़ी तले पड़ीज यह किंतु तार जन्मगत विधि तार जन्मगत लक्षण यही भावना निश्चित भाव में कवि प्रमत्त कर कि भाव अन्न को खुशी दे निजे झड़ी पड़े कितने जे आनंद पुष्प जो कहुच्छे से फाड़ी ठाकुर शिखबार आवश्यकता ही अच्छी यार परवर्त पदर कई सारा दिन परिश्रम क्लेश कांति अशेष नाना चिंता रोग शोक कष्ट देला विशेष जहूर व्यस्ता चले धीरे धीरे चली गले संध्या गाथा गाई पक्षी फेरिले स्वसदने तम राशि बुली देला निशा धरा नने तम राशि अंधकार कालीमा यही पृथ्वी पक्ष जो कहुची यह पृथ्वीर मुहरे समस्त कालीमा को बोलीदेला अर्थात अंधकार चली आसुची एठार कवि कहते सारा दिन परिश्रम शेष क्लेश एवं क्लांति सतरे समस्त दिन परिश्रम जो क्लेश कांति नहीं मनीष हृदय एवं मनरे अवशेष नहीं घर को फेरी थाए नाना चिंता नाना रोग शोक यू जीवन में अनेक कष्ट भी दे थाए जितेबले रवि अस्ताचल को चली जाती पश्चिम आकाश को एवं कहुची संध्यार संगीत गाई मृदु स्वर से यही पक्षी मैंने कलपूजन करसा को सेमान को नीड़ को धीरे धीरे फेरी जाती जो तरह स्व सदन को बोली कहुच्छ आउ ठीक से बेले अंधकार ए पृथ्वी हो जाए एवं पृथ्वीर मुख अंधकारमय हो जाए एठार कवि सुंदर भाव में वर्णना करसतु यार परवर्त पद को आलोचना करवा नीलनभ मंडी धीरे हसी दीप्त लोचने देखा देले सत सत तारा ज्योति दशने अंगे बोली सुधा राशि शशांक उलासी झरी झरी पड़ा कि भुवन रे अमृत सते कि धरणी राणी दुख हेला विस्तृत नील नभ नील आकाश यह मंडन करी जेते बड़े हसी हसी तारा दीप्तिमय लोचन जो कहुच चक्षुरे देखा देले सत सत तारा ज्योति दशने यही जो कहुच आकाश रे सत सत तारा माने मिटी मिटी करुथिले एही समय को कहुच्ची एवं अंगे बोली सुधार आसी शशांक उंगिला आसी निज अंगरे समस्त सुषमा को जो कहुच विमंडित कर शशांक चंद्र से उई आसिले आकाश को एवं सते जमी मन है झरी झरी पड़ा कि भुवन रे अमृत ए सदन रे ए भुवन रे सते जमी अमृत झरी पड़ा कि जिते बड़े यही ज्योति मानकर जो तारा मानकर मिटी मिटी चाहणी एवं चंद्रंकर जो उज्ज्वल ज्योत्ना सते जमी प्रत्यायन है पृथ्वी रे कौन सी अमृत झरी पड़ा कि सते कि धरणी राणी दुख है विस्तृत एवं कहुची सतरे धरणी राणी दुख एठारे विस्तृत लाभ करा कि यही पदर यह ही कहुच तेज आसतु यार परवर्त पद को आलोचना करवा कई मने मने रूप तोर कल्पन आसे कि भाभी भाभी कथा तोर उल्लास भाषे कि एक रात्रि फुटी सुबासे जाऊ लोटी क्षुद्र तोर जीवन सुमहत विकास क्षुद्र बोली मुहि किंपा होइबिरे निराश कहुच्छे तोर मन सते जमी यही कल्पन आसे मो हृदय को यह कही आहुरी कहुच्छे भाभी भाभी कथा तोर उल्लास भाषे कि तो कथा मुझे जिते बड़े भावे सते मोर हृदय तंत्री सब उल्लसित हो जाए मन उल्लसित हो जाए एवं सतरे एक राति पाई फुटी करी सुवास तू समस्त दिग को मोह कई दौ समस्त सृष्टि को मोह कई दौ कथा कहुच्छे किंतु गोटे राति पाई फुटी एवं मोह करे समग्र सृष्टि की मोह कई तापर तू झड़ी जाऊ यह कहुच्छे क्षुद्र तोर जीवन सुमहत विकास अल्प समय पर सृष्टि को आसी ये क्षण जन्मा शेफाड़ी तोर मोह करे तो चतुर्दिग को मोह खाई निश्चित भाव में तो जन्मर उद्देश्य तो जन्मर सार्थकता प्रतिपादन कर तेणु मुझे जिते बड़े क्षुद्र मो जन्मर महत्व को मु
मो जन्मर सार्थकता को मध्य प्रतिपादन करी मध्य सुमहत हेबी मध्य तो पर सुगंध वितरण करी मध्य तो सौंदर्य वितरण करी ए सृष्टि मु तो पर शेफाड़ी यह कवि भावना द्योतक कथा कह जा क्षुद्रतर जीवन सुमहत विकास क्षुद्र बोली मुहि किंपा होइबिरे निराश यह कवि आशावादी मनोवृत्ति निश्चित भाव में कहुई आसतु यार परवर्ती पद को आलोचना करने कहुई क्षुद्र मुहि दीन मुहि रेणुकोणा जगते चाहिले विशाल विश्व आसुची कि परते क्षुद्र हेले सुधा मुहि अकारणे जन्मी नाही अनंत विनाश मोर लेखा नाही कपाले एक राति पाई फुटे झड़ी जीवि सकाळे मु क्षुद्र मु दीन मु हीन सते ए पृथ्वी मु एक धूलिकण सदृश सतरे ए विशाल विश्व चाहिले मोर प्रत्यय होना यह कहा जाए मु क्षुद्र मु अकारण जन्मलाभ करना निश्चित भाव में विश्वनियंता विश्वविधता मत कौन उद्देश्य ही जन्म दे सृष्टि यह कहते कवि तेणु अनंत विकास मोर लोड़ा ना कपाड़े सतरे सबुदिन जो कहुची अंतहीन मृत्यु मोर कपाल लेखा जाए ना सते जमी मु तो पी गोटे राति फुटी एवं झड़ी जीवी हे शेफाड़ी फुल यह कवि शेफाड़ी फुल प्रति सुंदर संबोधन एवं परपदर मध्य कहुई नीति प्राते देखे पड़ी अछुतर मूल रे ढल ढल हिम बिंदु शोभे शुभ्र दल रे स्फटिके प्रवाल परा गठित तो तनु तोरा मनमदा कर तही तुरी अछि सुबास कि कोमल कि ललित कि मोहन विकास सतरे सकाळ बा प्रभातरे जेते बेले आमे एई शेफाळी फूल निकट को जाऊ जेते बेले से गच्छ निकट को जाऊ सेते बेले तरुमूल से गच्छ मूल रे निश्चित भाव रे शेफाळी फूल गुड़िक गदाई पड़ी थाए एवं झड़ी पड़ी थाए एवं ता उपरे ढल ढल शिशिर बिंदु गुड़ाक लागि रही थांती एवं ता शुभ्र दल जो कहा जाउछि तार पत्र डाल रे ए जो शिशिर बिंदु यह मध्य अनेक मादकता सृष्टि करि थाए अथच शेफाळी फूल से तरुमूल रे झड़ी पड़ी थाए स्फटिके प्रवाल पर जो कहुच्छे स्फटिक प्रवाल पर तार गठित तनु तोरा तनु अर्थात शेफाळी फुलर जो देह जो शेफाळी फुल बोली आम कहे तार तनुर स्वभाव तार जो आभा तार जो ज्योति ता सतरे मनरे अनेक उन्मादना सृष्टि कै मनन मदकर कहुचर मध्य अनेक सुवास पूरी रही कि कोमल कि कल कि ललित कि मनोहर कि मोहन विकास सत जमी ए सृष्टिर ऋषि मनोभला रूप यही शेफाळी फुल मध्य निहित अच्छी कवि भावना एवं परवर्ती पदर मध्य कवि कहते कि जतने आहरी मु गुंथे मालादरे पुलकित प्रेम स्पर्शे दोलाए मो कंठरे धीरे परसी अधरे केत मु तोते आदरे कि बुझिबु प्राणहीन आकुलता मोहर केते प्रेम करे तोते गोपन मंतर अनेक जत्नर सहकारे मु तोते माला गुंथे एवं मो कंठरे झुलाए अत्यंत प्रेमर उन्मादन अत्यंत प्रेमर स्पर्शरे मु तोते दोलाए मान जो कह जाए झुले दिए मो कंठरे हे शेफाळी फुल धीरे परसी अधरे केते मु तोते आदरे तू तो प्राणहीन तेणु ए मोर आकुलता को तु किपरि बुझिबु से फाळी फुल यह कह मोर अंतरर निवृत कोण रे तो पाई निश्चित भाव टिके स्थान साहित्य रखी तो पाई मोर केते जे भल पाइबा तो पाई मोर केते जे स्मृति हे से फाळी फुल तू तो प्राणहीन तेणु तू कौन बुझी पारिबु यह कह से फाळी फुल को परवर्ती पदर मध्य कह कहे तो आगरे सबु तू कि बंधु जीवित हेले मो हृदय सत बेदनारे व्यथित आपणा मने मु भासे तोते सुनाई भासे सुणु कि न सुणु एका जानु तु ही सुमन बुझु कि न बुझु मोर सत प्रीति वचन तो आगरे मु समस्त मोर हृदय विषय बासना गोटी गोटी करी बखाण करुछि रे ए पुष्प जो कहा जाउछि शेफाळी एवं सतरे तू कौन जीवित
हेले मो हृदय सत वेदन व्यथित तोपाई मो हृदय सत सत वेदना एवं अत्यंत व्यथा स्पर्शकतर मो वेदना तोपाई रे सेफाली फूल आपणा मने मो भाषे तोते शुणाई बा आसे मो मने मनरे गुण गुण मो मनरे गुण गुण हुए एवं केवल तोते शुणाबा आशे मोर प्रिय सेफाली फूल सत जमी मो मनर कथा बुझीपारंता कि मो मनर कथा जापारता कि मोर तो प्रति अत्यंत भल पाइबा जो कह निशार्थ भल पाइबार एक लक्षण हे से फाड़ी फूल यह कहु तू बुझु बा न बुझु से मोर कि जाएस ना मोर कितु तेजे शुणाइबा मोर धर्म तू प्राणहीन हो पार तू स्पंदनहीन हो पार तू जीवित हो पार बा तो मृत्यु उत्तर हो पारे से मोर कि आवश्यकता ना मोर धर्म खाली तोते शुणाइबा तोते निशार्थ भल पाइबा रे से फाड़ी फूल यह कविंर उक्ति परवर्ती पदर मध्य कवि कहते कही कही किंतु मुहि लभे प्राणे आराम तो बुझीबा न बुझीबा मोर पक्षे समान कहुथिबि दिबा राति प्राणे तो लभिबि शांति तो उद्देश्य आरे फूल मो प्राण रे व्यथा तू न शुणु आउ जणे शुणब तुम कथा सतरे ए सेफाड़ी तू जीवित कि मृत तू स्पंदनहीन कि प्राणहीन कि हृदयहीन से मोर कि कहबार ना किंतु मु तेत शुणे चली अनंत काल पर्यंत ये भल पाइबार करुण कथा निश्चित भाव आदि तू न शुणु निश्चित भाव कही ना कहीं यह शुणुब तो ना जदि सेफाड़ी प्रति कविताटी आपंक भल लगे निश्चित यार परवर्ती पदगुड़िक आम अवशिष्ट समय आलोचना करवा धन्यवाद।